हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे सुंदर खट्टक और हरीम शाह की या फिजा हुसैन की। हरीम शाह का जो असल नाम है वो फिजा हुसैन है जनाब, और अभी रिसेंट उनके वालिद साहब की वीडियो मंत्रयाम पर आई है, जो मैं आपको पूरी वीडियो इसी वीडियो में दिखाऊंगा, जो आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। उनके वालिद ने यह इजहार किया कि मेरी जो बेटी है वो वापस से फिजा हुसैन बन जाए, ना कि वो हरीम शाह। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने इसे कॉलेजों में नहीं पढ़ाया, मैंने इसे यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया, मैंने इसे मदरसों के अंदर मदरसों की तालीम दिलाई, उलामा की तालीम दिलाई, उसको मैंने मौलिमा बनाना चाहा, लेकिन उसके बाद भी ये रास्ते से हट गई, हिदायत ना पाई। देखिए, हरीम शाह का जो टॉपिक है, मेरे ख्याल से अब इसको साइड कर देना चाहिए, इसको थोड़ा सा बिल्कुल ना साइड में कर देना चाहिए। आपसे मजीद गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप पहले इनके वालिद साहब की पूरी वीडियो देख लें। मैं ज़रार हुसैन शाह मेरे पास अल्फाज नहीं। मैं जिन लोगों को या मेरे रिश्तेदारों को या दोस्तों को या ओवरऑल जुमला इज्जतदार लोगों को जो शदीद सदमा हुआ, मैं उस पर अल्फाज नहीं है जिनसे माजरत कर सकूं। बहसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि वो तो इज्जुमन तिशाह वो तो जिलुमन तिशाह, वो कहते हैं ना अदलो इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। शायद मैंने अपनी जिंदगी में तो किसी गरीब का दिल नहीं दुखाया, सवाय किस बात के कि एक दफा मुझसे मेरे वालिद साहब नाराज हो गए थे। फिर मेरी बड़ी अम्मा ने उन्हें राजी कर दिया, फिर राजी भी हो गए सिद के दिल से, लेकिन शायद वो बद्दुआ लग गई, जिसका मुझे एहसास भी है। और बहुत अज़ियतें भी मैंने उठाई, लेकिन शायद ये हद हो गई कि मुझे अपनी जात की कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे बुजुर्गों के तलकदारों को, रिश्तेदारों को, ये लोग जो हमारी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उनको जो सदमा हुआ, इंसान के मुखालफ भी होते हैं, उन्हें अपनी जगह में खुशियां हुई होंगी, लेकिन एक तो वो जो उनको सदमा हुआ, मैं उस पर बहुत रंजीदा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि उनके दिलों पर मरहम रख सकूं। और जो इस वक्त हमारी मुल्की सलामती या हमारे मुल्की वकार को जो नुकसान पहुंचा, मैं उस पर उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद भी हूँ और दुख भी हूँ। हमने 1948 में उड़ी में मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरी सारी फैमिली ने इस जिहाद में हिस्सा लिया। हमारे चचा जान शाह वहां शहीद हुए, अल्लाह ने हमें शहादत में भी ऐसा दिया। इलाके में जो इज्जत वकार और लोग हमारे बुजुर्गों के
दरवाजे की मिट्टी का सुरमा लगाते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से आ गई तो मेरे किसी गुनाह में मेरे अल्लाह ने मेरी सारी कौम और सारे मुल्क को शर्मिंदा किया। बस मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, मैंने अपने तौर पर कोताही उसके इसमें नहीं की, उसको मैंने आलिया कराया, आलमा कराया, अलुदा इंटरनेशनल से तालीम उल कुरान में कराया, बहुत अच्छे नंबर उसने लिए। एक बाप जो कर सकता है शायद यही कर सकता है, और इतने मेयारी इतने अच्छे इस्लामी मदारस में पढ़ाना, तो लेकिन उसके बदले में वो रायंदा दरगाह हो गई, और वो लोग जिन्होंने उनकी तरबियत की उनको जो सदमा हुआ, मैं उसके उस सदमे को किसी तौर पर बैलेंस नहीं कर सकता जहां से, लेकिन एक आलमा फाजला तो बात तो बस फिर एक ही थोड़ी सी तसल्ली होती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने बाप की 1000 साल मेहनत के बरक्स काफिर हो गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रहने वालों में हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत जिनके मैं खैर उनकी उस शान को तो बयान करना मुनासिब नहीं समझता, उसके बेटे को सजा हो गई। मैं अपने मुल्की कानून के मुताबिक जो हमारी असेंबलियों ने बनाए उसका पाबंद हूँ, जो अल्लाह का कानून है उसका पाबंद हूँ। मेरे पास उनकी तरह इसलाह का कोई इख्तियार तो नहीं, लेकिन मेरे अपने बस में जो इसलाह थी हमने कोशिश की है, हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने बेटे को मुबारकबाद दे दी शहादत पर, लेकिन मेरे पास तो कुछ अख्तियार और तो नहीं है। बरहाल मैं अपने हमारे जो बहुत अल्लाह के वली हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उनसे दुआ का मुल्तमिस हूँ कि अल्लाह उसे हरीम शाह से फिर फिजा हुसैन बनाए, और मैं अल्लाह की रहमत से नाउमीद भी नहीं हूँ। हदायत देना उसका काम है, बड़े बड़े लोग आजमाइश के लिए गुमराह भी हो जाते हैं, और जब वो राजी होता है तो फिर हदायत भी पा लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, आप दुआ करें अल्लाह मुझे कामयाबी दे, अल्लाह उसे हदायत दे, और उसकी वजह से जिन लोगों की इज्जत पर आरोप आया, हम लोग दुश्मनी कर सकते हैं लेकिन किसी की इज्जत नहीं उछाल सकते। हम सब कुछ करना जानते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी किसी गरीब का मैंने दिल नहीं दुखाया, और कभी सोचा भी नहीं कि किसी की इज्जत हमारे किसी एक लफ्ज से भी दागदार हो। तो सब इम्तिहान अल्लाह ने मुझ पर लाए। वो लोग जो दिल में दर्द रखने वाले हैं, अभी मैंने नमाज में भी लेट हुआ, रात को नींद नहीं आई,
घर में बीमारी है, मेरा बच्चे सो नहीं सकते। लेकिन क्या करें, इंसान है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आपने दुआएं की तो अल्लाह हमारे मुल्क की भी इज्जत रखेगा और हमारे खानदान की भी इज्जत रखेगा और अल्लाह में मुझे कुर्बानी देने की तौफीक भी देगा और उसको अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। वो बहुत इज्जतों वाला और बहुत गैरत वाला है। अल्लाह हमारे नसब की इज्जत रखेगा। मैंने जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कौन हूं या क्या हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी की दिलाजारी हुई है मेरे किसी अमल से तो अल्लाह मुझे माफी दे और वो भी मुझे माफ करे। और ये रहीम शाह की वजह से जो सदमात हो गए, इसमें अगर फिर भी मेरी कोई कमी है तो मुझे निशानदेही करें। मैं जो तालीम दिलाई, जो कुछ किया और इस्लामी तालीम दिलाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया, वरना मेरे इज्जतदार भाई कहते कि जी तुमने उनसे तालीम गलत दिला दी। बाकी भी जो किया और उसके साथ ही मुझसे ज्यादती कोई जो हुई है अल्लाह माफ करे। तो मैं एक बार फिर अपने खानदान के चाहने वालों से, जिनको बहुत सदमा है, मुझे पता चलता है लोग बोलते तो नहीं है सामने। उस दिन मुझे एक दोस्त ने कल कहा कि जी आपकी इज्जत की वजह से हम आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन हम बैठकर रोटी नहीं खा सकते। तो मैं उनसे अल्लाह उनके दिलों पर मरहम रखे, अल्लाह उनके दिलों पर मरहम रखे और अल्लाह हम सबको माफ करे। तो जनाब वीडियो आपने पूरी देख ली होगी, तो अब आपसे बात करने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अब इस चैप्टर को थोड़ा सा साइड में कर दें, क्योंकि कुछ बुरा ना हो जाए तो इस चैप्टर को साइड में कर दें। भूल जाएं कौन हरीम शाह, भूल जाएं कौन सुंदर खटक, भूल जाएं कौन मुबशर लुकमान, भूल जाएं कौन सा जहाज, कौन से कैमरे, सब चीज़ें साइड में करें, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। आप लोग अपनी ज़िंदगी जिए, ट्वीट करना कमेंट करना बंद कर दें। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में बात आए, अबे भाई तू बोल रहा है कि इसके बारे में बात करना बंद कर दो, और व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के चक्कर के अंदर खुद भी तो लगा पड़ा तो उनके बारे में बात करने के लिए। तो भाई ये मेरी हो सकता है कि इनके ऊपर बिल्कुल फाइनल वीडियो, इसे आप लोग तक मैसेज पहुँचाना मेरा मकसद था। अब मैं इनके ऊपर हो सकता है कि कोई भी वीडियो ना बनाऊँ, तो अब इनको थोड़ा सा साइड कर दें, इनको जीने दें अपनी ज़िंदगी। पाकिस्तान में है भी नहीं, आउट ऑफ कंट्री है, इसी रीज़न से हमारी जान को खतरा है। उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारी जान को जो पाकिस्तान के अंदर खतरा है, जो जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते, तो वो एक दूसरे मुल्क के अंदर है, जो आपको पता होगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। तो बताने का मकसद आपको सिर्फ इतना सा था कि छोड़ दें उनको, अपना काम करने दें, आप लोग अपना काम करें, अब इसको और ज़्यादा हाईलाइट ना करें। बोल हाउस के अंदर भी आपको ये नज़र नहीं आने वाली, ठीक है। बोल चैंपियन की जो कंटेस्टेंट है, फकार दगा की तो बहुत बात हो गई, अब जरा बोल चैंपियन की जो कंटेस्टेंट है उनको मैं थोड़ा सा एक्सपोज करने वाला हूँ। बोल हाउस में आने से पहले उसका इम्तिहान तवैले शुरू हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, वो देखिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़।